बैटरी की पावर हमने बंद कर दी, बैटरी की पावर बंद कर दी। उसके बाद नहीं हुआ, ये टर्मिनल के नंबर लिखे हुए हैं, टर्मिनल के नंबर लिखे हुए हैं। अभी इस वक्त किसी में कोई करंट नहीं है, ठीक है जी, ये किसी में कोई करंट नहीं है। T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये नीचे T4 है, T5 है, 6, 7, 8, 9, ठीक है जी। इस वक्त किसी जगह पे कोई करंट नहीं है। अब जैसे ही हमने इसकी पावर ऑन की, ये पावर ऑन हो गई, ये बैटरी का जो T1 है, नहीं साहब कर लो कुछ, अच्छा ये जब हमने इसकी पावर ऑन की, देखिए 24 वोल्ट इसमें करंट आ गया जी, आ गया 24 वोल्ट का करंट। ये T1 से करंट मैंने कहा इसके अंदर से आउट हो गया, ये T2 है, ये 40 एम्पीयर का फ्यूज़ है, ये करंट, ये 24 वोल्ट इसका भी करंट आ गया। यहाँ से करंट जो है वो आउट होके छोटे फ्यूज़ बॉक्स में जा रहा है करंट पे, बाकी किसी जगह कोई करंट नहीं है। ये देखें किसी जगह कोई करंट नहीं, यहाँ पे कोई करंट नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही जो है वो आगे से ड्राइवर डैशबोर्ड का स्विच ऑन करेगा तो ये रिले को करंट आएगा, जैसे इस रिले को करंट आएगा ये रिले काम करेगी, फिर सब फ्यूज़ बॉक्स जितने भी हैं ये सारा सिस्टम जो है वो इसमें करंट आ जाएगा। और यहाँ से फिर ये T8 है, ये T8 लगा हुआ है, T8 से जो है ना 100 एम्पीयर का फ्यूज़ है, इस 100 एम्पीयर के फ्यूज़ से फ्रंट फ्यूज़ बॉक्स को करंट चला जाता है, मुकम्मल फ्यूज़ बॉक्स। हाँ अब हम देखते हैं जी यहाँ से करंट आया, यहाँ से इसके बाद फ्रंट फ्यूज़ बॉक्स में जाता है छोटे वाले में, वो देखते हैं आगे। इस फ्रंट फ्यूज़ बॉक्स में ये दो वायर्स आ रही हैं, ये वी बैक की वायर, ये 24 वोल्ट का इसमें करंट आ रहा है, ठीक है जी, 24 वोल्ट का करंट ये दोनों में आ रहा है, पीछे से एक ही तार है, आगे आके ये दो में जॉइंट हो जाती है। उसके बाद हमने इसको जैसे ही करंट दिया, ये फ्रंट फ्यूज़ बॉक्स में करंट इसमें करंट आ गया। अब इसमें कहाँ कहाँ पे करंट जा रहा है, ये सब हर एक में करंट है, सब में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें से एक जो पॉइंट है वो है हमारे पास स्विच का, 5 एम्पीयर का जो पावर का F4 पावर स्विच, F4 ये वाला, ठीक है। इसको जब हम जैसे ही निकालेंगे तो हमारा रॉकर स्विच काम करना छोड़ देगा, ये आगे से इसकी पड़ेगी है गीजर। अब ये मेन स्विच ऑन नहीं, ठीक है जी, अब ये काम नहीं कर, नहीं कर रहा क्योंकि इसका मैंने फ्यूज़ निकाल दिया, ये इसका फ्यूज़ था ये हमने निकाल दिया। अब इसको दोबारा लगाते हैं, ये हमने फ्यूज़ लगाया, करंट आ गया, करंट आ गया, ठीक है जी। इस तरीके से ये करंट जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है। इसके अलावा इसमें कौन कौन सा फ्यूज़ है, मैंने आपको बताया है, इसके जो लैंप हैं, ये एमरजेंसी लैंप F8, ये काम नहीं कर रहा है, इसका ये F8 फ्यूज़ मैंने निकाल दिया। अब जब मैं इसको फ्यूज़ को लगाऊंगा तो ये काम करना
ये काम करना शुरू हो गया। अब ये जब काम कर रहे हैं तो इसका सिग्नल यहाँ पे भी आ रहा है, क्योंकि इसको हमने डायरेक्ट पावर दी हुई है। वो पावर कहाँ से दी हुई है? हमने इसको दी हुई है इंस्ट्रूमेंट की। मीटर का मैंने फ्यूज निकाल दिया, मीटर की पावर ख़त्म हो गई। अब मीटर पे कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा, ठीक है जी, मीटर पे कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसका ये वाला इंस्ट्रूमेंट की जो पावर का F1 फ्यूज़ था वो हमने निकाल दिया। ये जब हम इसको लगाएंगे तो फिर इसमें करंट आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यस। इसके बाद अगला जो इसका फंक्शन था, मैंने आपको बताया था कि फ्यूज़ बॉक्स के पीछे जो है वो पावर है आ रही है, जो इसको बाईपास हमने लगाया है। बाईपास अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि बाईपास कहाँ कहाँ पे है। ये इसकी डायग्राम है, एक ये पॉइंट था हमारा Q11 और दूसरा पॉइंट था हमारा यहाँ पे ये वाला M4 और Q11। अब हम इसका बाईपास चेक करते हैं। ये जो फ्यूज बॉक्स है ना, ये देखें इसके पीछे नंबर लिखे हुए, ठीक है, ये D लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, ठीक है, इसी तरह नीचे इसका ये K लिखा हुआ है, ठीक है, वो एंड पे जाके लिखे हुए हैं। तो हम इसमें से कौन सा देखेंगे? हम यहाँ से देखेंगे Q1 है, Q11 है। यस हाँ जी, Q11। ये लाइट पकड़ना जरा। हर वायर के ऊपर उसके नंबर लिखे हैं। यस सर। ये 149C है, 149C, ठीक है, इसको परमानेंट करंट मिलना शुरू हो जाता है। अब इसको हम मल्टीमीटर पर चेक करते हैं। ये जो आपका स्विच है ना, इग्निशन स्विच, वो इग्निशन स्विच कह रहा हूँ, ये वाला पावर स्विच, उसके पीछे लगा दो एक 149 नंबर तार में, एक इन हो रही है, एक आउट हो रही है। पावर स्विच इसकी पहले एक साइड पे लगाओ, ऑन नहीं करना उसको, ये देखें लगाओ, दूसरी साइड पे लगाओ, यहाँ से इन हो रहा है करंट, इन पे ये कनेक्ट नहीं है। जब आप उसको आउट दूसरे पे लगाओ, ये आउट है 149 नंबर, ये 149 नंबर का करंट जो है वो यहाँ से मीटर से भी इसको, ये फ्यूज़ बॉक्स से भी उसको परमानेंट मिलता है जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन में अगर कोई बंदा उसको ये वाला पावर स्विच बंद भी कर दे जो डैशबोर्ड पे लगा हुआ है, तो गाड़ी स्टार्ट रहती है, क्योंकि उसको इस पॉइंट से करंट फ्लो कर रहा होता है, मिल रहा होता है। इसका करंट तब ही ख़त्म होगा जैसे ही आप इग्निशन स्विच को ऑफ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस।